साथियों, अभी आप देख रहे हैं गांधी मैदान पटना बिहार से जो भी बच्चे नए तैयारी करते हैं बहुत सारी समस्याएं आती हैं। समस्याएं ये आती हैं, आप इससे भी पहले बहुत सारे मेरे वीडियो देखे होंगे, पैर दर्द होता है, पैर भर जाना, थाई भर जाना, यहाँ पे घुटना के पास दर्द होना, यहाँ पे, यहाँ घुटना से हल्का नीचे, यहाँ एंकल, यहाँ दर्द होना, यहाँ दर्द होना, यहाँ होना और थाई जाम हो जाना, यहाँ क्रैम्प आना, ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान है जो अभी पैर का, ये जो आप वीडियो देखिएगा पूरा मसाज का होगा। आप घर में, आप अकेले हैं, आप कहीं मेला गए, कभी दौड़े, पूरा शरीर थक गया है, आप लगता है कि हम एक कदम नहीं चल सकते हैं, उसके लिए जो आप स्ट्रेचिंग एक देखिएगा और मसाज देखिएगा आपको करना है घर पे और आपको सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो साथियों आप देखिए, मात्र 3 से 4 स्टेप आपको बताएंगे, बहुत ही ईजी। सबसे पहले क्या करना है, आ जा जल्दी, सो जा, पीछे से रहो, सीधा खड़ा, सीधा सो, सीधा सो, मेरे तरफ पैर कर, आप देख रहे हैं, ध्यान से देखना, आप सभी भी पैर उठा लिए, ये आप ये पैर देख रहे हैं और इसको क्या करना है, अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ये घुटना हमेशा टाइट रहेगा, ये घुटना अंदर देख लो सारे लोग, ये उसके बाद अंदर की तरफ लेंगे इसको, थोड़ा दर्द पीछे, नेक्स्ट, ये देख रहे हैं, फिर अंदर हो गया स्टॉप। क्या करना है, ये भाग आप देख रहे हैं, ये हाथ का, ये घुटना टाइट रखना, इस पर प्रेशर देना, ये थोड़ा जो इस पर पैर रखेंगे इसको प्रेशर देंगे, दर्द हो रहा है, यस सर, यस, नेक्स्ट, इस पर फिर प्रेशर देंगे, जितना ये पेन दर्द है यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये सारे ठीक हो जाएंगे, ये सारे रामबाण है, यदि आप इसको करते हैं उसके बाद सरसों तेल लहसुन मालिश करी, स्टॉप है, ओके। अब आप देखिएगा क्या करना है, यहाँ जब घुटना ज़्यादा पेन कर रहा है, ज़्यादा भरा हुआ है, कुछ नहीं करना है, ये अंदर लेना है, यहाँ पे हाथ रखना और इसको होल्ड करना है, बोलना बेटा, ये क्षमता अनुसार वो आदमी पे डिपेंड करता है कितना सहता है, बोलना, बस, नेक्स्ट, ये फिर इधर लगाएंगे, यहाँ घुटना पे हमेशा हाथ रखेंगे यहाँ पे, ताकि यहाँ जो पेन होता है ठीक हो जाएगा, बोलना, यस, आप देख रहे हैं, बैठे रहो आराम से, उसके बाद ये पैर पकड़ना, इसको हिला देना थोड़ा, ये जो मसल्स है यहाँ पे, ये खड़ा करेंगे इसको और मसल्स पे यहाँ थोड़ा ठोक देंगे, दिखा देना इधर से साइड से, ये जो मसल्स है सारे जो दर्द होते हैं भाई को, दर्द हो रहा है ना, यस सर, इसको सीधा करके यहाँ ठोकना है, दोनों पैरों से ठोक देंगे, उसके बाद डाउन हो जाए, 1 सेकेंड, आप अभी देख रहे हैं जो ये देख रहे हैं, हो जाइए, आप खुद थके हैं, लगता है आप नहीं चल पाएंगे, मान लीजिए तो सपोर्टिंग हो गया कि कोई है तो आप करवा लीजिएगा, नहीं है कोई तो अकेले क्या करेंगे, उठा पैर बेटा एक पैर और इसको इसमें लगा, जो ये बीच का भाग देख रहे हैं ये यहाँ पे, ओके, धीरे धीरे हाथ में लपेटते जाएंगे, लपटो, सो जा बढ़िया से जमीन पे, सो जा और खींचो, ये घुटना टाइट रखना, क्या हो रहा है बेटा, दर्द कर रहा सर, दर्द कर रहा है ना, ये देखिए ये चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हो, और थोड़ा लपेटने की कोशिश कर और सो जा, सो जा, ये घुटना का जो पेन है चैलेंज करते नहीं है, पूरा विश्वास रखिए हमारी टीम, हमारी संस्था पे, दर्द ठीक हो जाएगा, स्टॉप, अकेले रूम में है, बॉयज हो या गर्ल्स, आप अकेले कहीं से आए हैं, घूम के आए, थक गए, लगता है हम नहीं चल पाएंगे, लगता है कोई पैर हमारा मालिश करे, दबा दे, उससे बेहतर है आप अकेले हैं, सो जा बढ़िया से, चेस्ट जमीन पर रख, स्टॉप है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं आप अकेले हैं तो ये करिएगा, यदि आपका फिर कोई पार्टनर है आप 2 से 3 स्टेप और भी कर सकते हैं, यदि आप खड़े हैं, खड़े खड़े कर पाए, एक पैर देना, ये उठा इधर इधर सीधा रखें, और ये जो आप देख रहे हैं वायज होएगा, ये शोल्डर पे रखें, ये जो आप घुटना का दर्द देख रहे हैं, पैर सीधा कर, ये पैर सीधा, बॉडी अपना कंट्रोल कर, मेरे को पकड़ सकता है, नो प्रॉब्लम, ये घुटना टाइट रख, दर्द हो रहा है ना, दर्द हो रहा है, ये घुटना प्रेशर, पैर में भी पावर आएगा, पैर का भी स्ट्रेचिंग हो जाएगा, थोड़ा पीछे से दिखा दो, घुटना टाइट रख बेटा, दूसरे पैर का घुटना टाइट रख, ये घुटना टाइट रख, स्टॉप है, वाह, पैर हाँ। तो साथियों आप अभी देख रहे हैं और अब सारे बच्चे भी करेंगे, आप अकेले हैं कहीं भी हैं आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं,
तो हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये एक्सरसाइज करें। आप अकेले हैं या दो बंदे हैं तो आप दोनों कर सकते हैं। आप अकेले हैं तो आप अकेले वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा आपके साथ कोई पार्टनर नहीं रहता है। आप रूम पे हैं, घर पे हैं, ग्राउंड में हैं, अकेले हैं तो आप ये सारे एक्सरसाइज अकेले कर सकते हैं। आपको पूरा मेरे पे विश्वास हो जाएगा कि नहीं, ये एक्सरसाइज जो मैंने बताया है आपके पैर पूरे रिलीफ हो जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।